मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर के अशलेश्वर धाम मंदिर से शुरुआत होगी। उनके साथ रहेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश मीडिया अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। मंदिर की मैं आपको बता दूं किस तरीके से सजाया गया है, आप देख सकते हैं पूरे व्हाइट चादरों से सजाया गया है। आसपास जो गड्ढे लगाए गए हैं और भगवान अशलेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना के लिए जो मंदिर के पुजारी हैं उनको बिठाया गया है। जो मंदिर के पुजारी रहेंगे वो परिचय पत्र के बिना अंदर अनुमति उनकी नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं मंदिर के पुजारी से मैं बात करूँगा किस तरीके की पूजा रहेगी, कितने लोग मौजूद रहेंगे। मैं बात करना चाहूँगा कि मंदिर कितने पुजारी मौजूद रहेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं महेंद्र भटकारिया जो मंदिर के पुजारी हैं, उनसे मैं बात माफ करना अभिषेक जी से मैं बात करूँगा कितने किस तरीके की पूजा अर्चना होगी। मुख्यमंत्री अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जाएंगे, किस तरीके की पूजा अर्चना करेंगे? यहाँ पर उनका टाइम 11:30 बताया गया है, उसके बाद यहाँ 15-20 मिनट का अभिषेक करेंगे और पूजा अर्चना आरती करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ से यात्रा निकाली जाए। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था करी गई है? ये यहाँ पर अभी 5 लोगों की व्यवस्था, जो तोमर साहब हैं, सिंधिया जी हैं और भी जो मंत्रीगण आएंगे उनके साथ में सबकी व्यवस्था की। आपके मंदिर की तरफ से कितने पुजारी रहेंगे, क्या क्या रहेगा पूजा अर्चना के टाइम पे, क्या व्यवस्था रहेगी? मंदिर की तरफ से 5 पुजारी नियुक्त किए गए हैं और अभिषेक करने के भगवान का भोग लगाया जाएगा, आरती की जाएगी, ये सारी व्यवस्थाएँ मंदिर प्रशासन ने की। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, मंदिर के 5 पुजारी रहेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जिला प्रशासन के अधिकारी SDM साहब मौजूद हैं। गुप्ता जी, सर से मैं पूछूं किस तरीके की व्यवस्था करी है? सर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? ये चाक चौबंद है, सभी तरह पुलिस लगाई गई है और यहाँ पूजन करेंगे CM साहब और उसके बाद जन दर्शन के लिए निकल जाएंगे। प्रशासन की तरफ से पूजा, उन्होंने बताया कि पूजा अर्चना करेंगे और प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। ग्वालियर से पंजाब CCTV के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।